ગ્રાઉન્ડમાં બેવમાં છે જામનગર સ્ટ્રાઇકર્સ વિનિંગ ધ ટોસ એન્ડ ચૂઝ ફર્સ્ટ ફિલ્ડ ટુ ઓપનર પેયર નેશ એન્ડ નીલ પહેલી ગેંદબાજ હે પાવર પ્લે કા એ ઓવર હે રાકેશ राकेश की ये गेंद धीरे से ढकेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग लेकिन वहां पर दो रन चुरा लिए खाता खुलता हुआ नेश का खाता खुलता हुआ टीम का धीरे से स्टीयर किया लोअर हैंडल बॉटम पुश एक रन पूरा किया अच्छी फील्डिंग 38 सर्कल में कवर पर एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीन रन मुकाबला सुपर राइडर्स वर्सेस जामनगर स्ट्राइकर्स के बीच में स्विच इट खेला है अच्छा प्रयास था क्या छोटा हुआ पर एक रन पूरा किया नील ने कैच ड्रॉप किया नील का इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चार रन हलार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत चिप किया वहां पर अच्छी फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन पर मिलेगा सिर्फ एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ पांच रन शॉर्ट आर्म पुल की है अच्छी फील्डिंग मिड विकेट सीमा रेखा पर मिलेगा सिर्फ एक रन इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ छह रन यह आखिरी गेंद है पहले ओवर की गेंदबाज के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था एक रन पूरा किया पहले ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन बने सात बिना कोई विकेट खोए इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है ब्लैक हीरोज वर्सेस ब्लू फिशर्स दोनों टीम के कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस के लिए पहले इनिंग की आठ ओवर के समाप्ति के बाद आपका टॉस किया जाएगा सिद्धार्थ दूसरे ओवर के लिए नेश खेल रहे पांच पर कुल रन उन्होंने पांच बनाए नील खेल रहे दो पर बॉलिंग पावर प्ले ओके काफी अच्छा अंपायरिंग कर रहे जयेश घरत और चंदन नाइक तीसरे अंपायर श्याम पाटिल भी अच्छा अंपायरिंग करते हुए बेहतरीन कैच बल्लेबाज आउट प्रतीत ने काफी अच्छा बेहतरीन कैच लपक लिया वहां पर और पहले बल्लेबाज नेश आउट हो गए कैचेस विनिंग द मैचेस पकड़ो कैच और जीतो मैच स्कोर अभी भी रुका हुआ है सात रन नए बल्लेबाज अब विकी विकी आप
लंबाइट लेना चाहते थे, चुके और एक सफलता, दूसरे बल्लेबाज आउट। बैक टू बैक दो बल्लेबाज यहां पर आउट किए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे सिद्धार्थ। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रन। अब हैट्रिक पे गेंदबाज सिद्धार्थ। हिमल ने बेहतरीन कैच लपक लिया वहां पर, जबकि वो खुद डॉक्टर भी है। अच्छी फील्डिंग, नए बल्लेबाज मेहुल। अब हैट्रिक देखना है, अभी तक कोई गेंदबाज हैट्रिक तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे पहले गेंदबाज होंगे यदि हैट्रिक पूरे करते तो। अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रन। स्ट्राइक पे मेहुल है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, काफी अपेक्षा होंगी इनसे। अच्छा, उन्होंने वहां पर लेट कट खेला, पॉइंट पे अच्छी फील्डिंग, एक रन चुरा लिया। सिंगल के जरिए से खाता खुलता हुआ मेहुल का, स्कोर धीरे से आगे सरकता हुआ 8 रन। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, मिलेगा एक अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। दो विकेट के नुकसान पर सिद्धार्थ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। वहां पर रन चुराने का प्रयास किया और चुरा भी लिया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, जबकि यह दूसरा ओवर चल रहा है। ये देखिए शॉर्ट हम पुल किया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका मेहुल के बल्ले से आता हुआ। जैक कैलिस के नाम से जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, बिल्कुल ऑलराउंडर थे साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस। लुक भी वैसे ही है मेहुल का। दो ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन बने 14, दो विकेट के नुकसान पर। मित, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है मित। सॉफ्ट एंड पुश, पुश करो और खुश रहो। एक सिंगल वहां पर चुरा लिया, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, मित लेफ्ट हैंड बॉलर है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। कहीं पे निगाह और कहीं पे निशान, अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश, डॉट बॉल। अच्छी गेंद थी, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 15 रन। ये खराब गेंद है, अंपायर चंदन नाइक का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल, मिलेगा एक अतिरिक्त रन। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, शॉर्ट हम पुल किया, कंट्रोल पुल स्ट्रोक था, एक रन पूरा किया मेहुल ने। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। ये जो दो टीम है फाइटर टीम है, गेंद बल्ले पे आई नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। जगह से ही खेलने का प्रयास किया था, कोई फुटवर्क वहां पर देखने को नहीं मिला।
स्ट्रोक आपको लंबा खींचना है तो फिर फुटवर्क बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में। फिर एक बार अच्छी गेंद थी, फुटवर्क साथ में ही दे रहा है बल्लेबाज का। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मित अपनी टीम के लिए। ये फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव की है, गेंद आ रही है डीप मिड ऑन पर, अच्छी फील्डिंग दीपेश की, सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 18 तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद। एंड ऑफ द थर्ड ओवर 18 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है ब्लैक्स हीरोज और ब्लू फिशर्स, दोनों टीम के कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। दीपेश बट्टेटी के नाम से जाने जाते हुए काफी मशहूर है, हाइट में बहुत छोटे लेकिन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अच्छा स्ट्रोक किया, वहां पर ड्राइव किया, गेंद जा रही है कवर पर, दूसरा रन लेना चाहते, खतरा हो सकता है, खतरे को महसूस किया और 2 रन वहां पर चुरा लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। धीरे धीरे साझेदारी होती हुई दोनों के बीच में, सिंगल डबल पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिरे थे। फिर एक बार दीपेश, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर गेंद डाली हुई थी वहां पर, 1 रन पूरा किया, सिर्फ और सिर्फ 1 रन पर ही संतुष्ट। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। दोस्तों ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, जीवन के इस खेल में बस क्रिकेट खेलना जरूरी है। जामनगर से पधारे हुए अपने कमल भाई गोसराणी, उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। स्टेज पे आइए, आपका ओसवा शिक्षा राज संघ स्वागत कर रहा है और ओसवा स्पोर्ट्स क्लब आपका धन्यवाद अदा कर रहा है। कमल भाई गोसराणी जामनगर से आए हैं, जामनगर स्ट्राइकर अभी खेल रहे हैं, प्रोत्साहित करने के लिए जामनगर से काफी लोग पधारे हैं और आपका स्टेज पर मंच पर स्वागत है। 1 विकेट और सुपर राइडर का, और इसके साथ 3 विकेट गुमा चुके हैं। हसमुख भाई वीरजी चंदरिया जामनगर थी अया भिवंडी काटेका ग्राउंड में पधारी स्वीकार छे, दर्शकों साथे ए भी आईवा छे अने टीम ने काफी प्रोत्साहित करे छे। जामनगर नी टीम अत्यारे रमे छे, जामनगर स्ट्राइकर कमल भाई गोसराणी, सिरीश भाई सावला, अही दरेक जामनगर थी महानुभव पधार्या छे, एमनु ओसवा शिक्षण राज संघ अने ओसवा स्पोर्ट्स क्लब दरेक नो हार्दिक स्वागत करे छे। थैंक यू शैलू सर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 22 रन, जबकि 4 विकेट गए हैं। गेंदबाज दीपेश ड्राइव किया, गेंद आ रही है मिड ऑन पर, लॉन्ग ऑन के फील्डर तैयार है सिद्धार्थ, अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। स्मिथ के बल्ले से 1 रन खाता खोला है स्मिथ ने। छह
चौथे ओवर की आखिरी गेंद है दीपेश की, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे, बहुत ही इंप्रेस किया है दीपेश ने इस पूरी टूर्नामेंट में। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक गैप में खेला हुआ, गेंद जा रही सीमा रेखा पर, अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक रन मिलेगा इस एक रन के साथ, चार ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 24 जबकि विकेट गई हुई चार। बैटिंग पावर प्ले, ये पांचवा ओवर बैटिंग पावर प्ले का ओवर रहेगा, गेंदबाज सिद्धार्थ जीत खेल रहे कुल एक के योग पर, जबकि स्मिथ खेल रहे कुल एक के योग पर, और अभी भी चार ओवर बचे हुए हैं। देखिए आठ ओवर के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट रहेंगे और आठ ओवर आपको 40 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद थी, कोई रन नहीं, बीट किया वहां पर पूरी तरह बल्लेबाज को, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 24 रन। एक खराब गेंद थी, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, एक अतिरिक्त रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। ये ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने का वहां पर प्रयास किया था बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सिद्धार्थ, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 25 पर। फिर एक बार ये पांचवा ओवर चल रहा है जबकि ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर है, कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक दो गेंदे फेंक चुके हैं सिद्धार्थ, एक रन खर्च किया है उन्होंने, क्लीन बॉल आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज, जीत पांचवे बल्लेबाज आउट हो गए। सुपर राइडर्स को लगता हुआ है पांचवा झटका, अंकित टीम के कैप्टन है और कैप्टन नॉक पारी खेलनी होंगे उन्होंने, उनको एक लंबा स्ट्रोक खेलने होंगे ऐसे। देखो अंकित के लिए यदि छक्का स्टेज पे आएगा तो 1100 रुपए का इनाम है, भूमिक मारू की ओर से डॉट बॉल जाती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 25 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सिद्धार्थ, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ है, गाड़ी अटक गई है 25, जबकि ये पांचवा ओवर चल रहा है। ये खराब गेंद है, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। स्ट्रोक को चेक किया, धीरे से खेला हुआ ये शॉट था, सिर्फ एक रन मिलेगा अंकित को, अंकित ने खाता खोला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन, खुद टीम के कैप्टन है और पांचवें ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 27, विकेट गवाई 5, अभी भी 3 ओवर बचे हुए, 18 गेंदे बची है और 18 गेंदों में देखना है
कहां तक स्कोर ले जाते सुपर राइडर्स। मित नए गेंदबाज, मित को कंटिन्यू रखा गया है, अच्छे गेंदबाज है मित, बैटिंग भी अच्छे करते हैं छोटे कद के। ये देखिए घुटना जमीन पर जरूर वहां पर देखने को मिला, लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी गेंद थी नीचे रहती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27 रन, जबकि ये छठा ओवर चल रहा है। शॉर्टम पुल की अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, जितना बढ़िया स्ट्रोक खेला था उतनी बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली वहां पर प्रतीत की। अच्छे फील्डर है प्रतीत, बहुत इंप्रेस किया है फील्डिंग में प्रतीत ने सारे टूर्नामेंट में। ये देखिए रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, चूके पूरी तरह, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 28 रन। गैप में खेला हुआ है स्ट्रोक, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री सीमा रेखा पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, सिर्फ एक रन मिलेगा। ये सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन, 5 विकेटें भी गवाई है। बल्लेबाज अब तैयार है अंकित, कोई रन नहीं। ये देखिए कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना, डॉट बॉल जाती हुई, ये छठा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद है। अब तक 2 सिर्फ रन खर्च किए मीत ने, लंबा हिट लेना चाहते थे चूके, वहां पर जोरदार अपील की थी अंपायर टस से मस नहीं, लेग बाइट का इशारा आता हुआ 6 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 30। दीपेश है गेंदबाजी के लिए 7वां ओवर लेके, जिन्हें बटेटी के नाम से जाने जाते हैं, अच्छा ऑलराउंडर है, छोटा कद है लेकिन लंबे हिट और विकेट निकालने में माहिर है। ये देखिए क्लीन बॉल, यू मिला मिस आई डेफिनेटली, दीपेश ने आते आते यहां पर अंकित का विकेट लिया और जबरदस्त झटका दिया है सुपर राइडर्स टीम को। छह विकेट यहां पर अब तक गवा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज खिलन, जिन्होंने छक्का मार के पिछले मैच में अपने टीम को जिताया था, अभी बहुत संकट में टीम, खिलन को यहां से रन जरूर निकालने होंगे अपने टीम के लिए, छक्कों चौकों की बारिश करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे दीपेश, ये देखिए पलटी स्कूप करना चाहते थे वहां पर, एक रन चुरा लिया, दूसरा रन लेना चाहते, 2 रन हासिल किए, अच्छी टेक्निक खिलन की, जब लंबे हिट नहीं आते तो ये टेक्निक अच्छी रहती है क्रिकेट में। लेग बाइक का इशारा था हुआ, सिंगल डबल और ट्रिपल रन दीपेश। ये देखिए फिर एक बार वहां पर चॉप करने का प्रयास किया था, एक रन चुरा लिया, अंपायर का बाइज का इशारा था हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। फ्लिक की है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, लकी बाउंड्री चौका, चौके के मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37।
आगे आके लंबा हिट लेना चाहते थे, चूके डॉट बॉल जाती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 37 रन। अंतिम गेंद है सातवें ओवर की, ये देखिए अच्छा बॉल वहां पर देखने को मिला, वाइड यॉर्कर डाला था, डिफेंस किया, एक रन चुरा लिया इस सिंगल के जरिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, जबकि 7 ओवर की समाप्ति हुई है, विकेट गवाई कुल 6। आखिरी ओवर है इस पारी का और गेंदबाज हेमल बेहतरीन गेंदबाज है। ये देखिए और एक बाउंड्री आती हुई, अंपायर का इशारा था हुआ चौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। स्मिथ के बल्ले से ये चौका मिला, स्विच हिट खेलना चाहते थे, चूके पूरी तरह गेंद नीचे रहती हुई, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 42 रन। अच्छी गेंद, यहां पर बल्लेबाज आउट हो गए कॉट बेन, और एक विकेट गवाया सुपर रेडर्स ने, सातवां विकेट गवाया, जबकि स्कोर अभी भी रुका हुआ है 42 रन। नए बल्लेबाज पुनीत, सिद्धार्थ ने विकेटों के पीछे अच्छा कैच को वहां पर अंजाम दिया, 42 रन। आखिरी ओवर चल रहा है, 8वां ओवर, फिर एक बार डॉक्टर हेमल मुड़ते हुए, शॉर्ट आर्म पुल की है, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा पर, अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। आखिरी 2 गेंदें बची हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए डॉक्टर हेमल। ये देखिए बेहतरीन चौका, गेंद सीमा रेखा के बाहर, तालाब में गई गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। बैट और बॉल का संपर्क हुआ, उसके ऊपर मोहर लग चुकी होती चौके की, 47 रन बने, जबकि आखिरी गेंद बचा हुआ है पहले पारी का। खिलन के बल्ले से चौका आया, जो कि बेहतरीन बल्लेबाज जाने जाते सुपर रेडर्स के। आखिरी गेंद, ये देखिए शपल होने का खेल के प्रयास किया था, लेकिन वहां पर बल्लेबाज रन आउट हो गए, स्कोर 47 और 48 की चुनौती है इस मुकाबले को जीतने के लिए जामनगर स्ट्राइकर्स को, जितने गेंदी है उतने ही रन बनाने होंगे, जितने गेंद उतने रन, 48 में 48 टू विन जामनगर स्ट्राइकर्स। इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस करने के लिए जल्द से जल्द आना है, ब्लैक्स हीरोज और ब्लू फिशर्स, दोनों टीम के कैप्टन आपको जल्द से जल्द टॉस करने के लिए आने का है।
ब्लू फिशर्स के कैप्टन यहाँ पर मौजूद है, ब्लैक्स हीरोज के कैप्टन आपको जल्द से जल्द आना है टॉस करने के लिए। ब्लू फिशर्स के कैप्टन भविक आपका हार्दिक स्वागत है, ब्लैक्स हीरोज के कैप्टन आपको जल्द से जल्द आना है। रश्मिन देखिए, आठ ओवर का ये मुकाबला है, आठ ओवर के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट रहेंगे और समय के बारे में हमें सहयोग करना है। ब्लैक हीरोज के कैप्टन आपको जल्द से जल्द आना है, ब्लू फिशर्स के कैप्टन यहाँ पर मौजूद है। टू ओपनर पेयर जामनगर स्ट्राइकर्स के बीच मैदान में आते हुए, आज दो बार जीत चुकी है जामनगर स्ट्राइकर्स और ये तीसरा मुकाबला वो खेल रहे हैं। जीतने के लिए चुनौती है 48 रन्स की। अड़तालीस रनों की चुनौती है। गेंदबाज पहले गेंदबाज है फ्रंट लाइन बॉलर जीत। ओवर दोनों टीम के कैप्टन और हमारे जामनगर से पधारे हुए कमल भाई गोसराणी और टॉस विनिंग करेंगे और उनको मैदान में दोनों कैप्टन और कमल भाई गोसराणी दोनों मैदान में आइए। ये कॉइन है, फिर कॉइन जो कमल भाई गोसराणी यहाँ पे जामनगर से आए हुए टॉस इनिंग करेंगे ब्लैक कैप्स का और अपना कमल भाई के शुरुआत से टॉस होने जा रहा है दो टीमों के बीच में, ब्लैक हीरोज और ब्लू फिशर्स। ये देखिए हमारे शैलेश सर भी है, अच्छी कमेंट्री देते हैं वो भी। एक रन बना, खाता खुला हुआ पर दीपेन ने खाता खोला, टीम का भी खाता खुल चुका है। ब्लैक हीरोज ने टॉस जीता है और पहले फोल्डिंग करने का फैसला किया है। विनिंग द टॉस ब्लैक हीरोज एंड चूज फर्स्ट फील्ड। जोरदार अपील वहां पर, अंपायर टस से मस में डॉट बॉल जाती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है एक रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदे डाल रहे हैं गेंदबाज जीत। ब्लाइंड स्विंग करने का प्रयास था, अंपायर चंदन नाइक का इशारा था हुआ व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो रन।
सब डिसमिसल, लॉलीपॉप कैच वहां पर लपक लिया और नील ने बेहतरीन कैच लपक लिया वहां पर, बल्लेबाज आउट। आशीष के पारी का अंत होता हुआ कुल 2 के ऊपर पहली सफलता हासिल की, जीत ने अपने टीम के लिए पहली सफलता दिलाई, ब्रेक थ्रू दिलाई अपनी टीम के लिए। देखिए बल्लेबाज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को तैयार रहना है और जल्द से जल्द मैदान में आना है, और समय के बारे में प्लीज हमें सहयोग करें। सिद्धार्थ नए बल्लेबाज नंबर 8 3। अच्छा स्ट्रोक लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, कोई रन नहीं। पहले ओवर के समाप्ति कुल रन बने 2, विकेट गवाई 1। जामनगर स्ट्राइकर्स ने पिछड़ती हुई पहले ओवर में। छियालीस रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए। प्लीज समय के बारे में अंकित हमें सहयोग करें, टीम मीटिंग नहीं करनी है आपको, मिडल कॉन्फ्रेंस प्लीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि 8 ओवर के लिए सिर्फ आपके पास 40 मिनट दिए गए हैं और बहुत सारे मैचेस आज हमें कवर करने हैं, आज के दिन का शेड्यूल्ड हमें कवर करना है। नए गेंदबाज दर्शन जिन्हें पेनो के नाम से जाना जाता है, दोस्तों क्रिकेट खेलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जो फिट है वही हिट है। अच्छी गेंद थी, चूके वहां पर बल्लेबाज, 1 रन चुरा लिया वहां पर। दीपेन ने 1 रन पूरा किया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। बिल्कुल आर अश्विन की तरह गेंदे डालते हैं दर्शन पेनो। अच्छी गेंद, लाउड शॉट, अंपायर पर कोई असर नहीं, उत्साह में ज्यादा थे और सही गेंदबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए दर्शन। शुभ दर्शन देते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। अच्छा स्ट्रोक, फ्लैट 6, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्लॉक स्वीप किया था वहां पर बल्लेबाज, सिद्धार्थ के बल्ले से आता हुआ है, धन धनाता हुआ 6 रन, 6 रनों के साथ स्कोर छलांग लेता हुआ अब 9 रन। दर्शन फिर एक लंबा हिट लेने का प्रयास और एक छक्का और गेंदबाज हक्का बक्का। स्कोर छलांग लेता हुआ 15 रन। अब सिद्धार्थ काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। ये देखिए रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास और वहां पर अच्छी फील्डिंग की, 1 रन चुरा लिया सिद्धार्थ ने, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन।
अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। अच्छा कैच, नेश मामा ने लपक लिया, वहां पर आउट हो गए। दूसरा विकेट गवाया जामनगर स्ट्राइकर्स ने। छक्के भी लग रहे, बल्लेबाज आउट भी हो रहे, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। 50-50 चांस है दोनों टीमों को इस मुकाबले को जीतने के लिए, 50-50 चांस है, कोई भी जीत हासिल कर सकता है यहां से। और बॉलिंग पावर प्ले, मामा गुड कैच। दो ओवर के समाप्ति के बाद कुल रन बने 16, जीत आए तीसरे ओवर के लिए। ड्राइव किया, गेंद जा रही मिड ऑन सीमारेखा पर, अच्छी फील्डिंग मेहुल की, सिर पे एक रन मिलेगा इसे। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, चुनौती है 48 रनों की। गेंदबाज जीत तैयार, मीत भी तैयार है। ये देखिए गेंद बल्ले पे आई नहीं, अच्छी गेंद थी, चूके वहां पर पूरी तरह बल्लेबाज। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 17 रन। ये देखिए अच्छा स्ट्रोक खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। स्क्वायर लेग डीप पर नील द्वारा सिंगल मिलेगा इस एक रन के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन, अभी भी जीतने के लिए 30 रन चाहिए। जीत अलोंग द कार्पेट खेला हुआ है स्ट्रोक था, एक रन पूरा किया सिद्धार्थ ने सिंगल के साथ, निकल पड़े। स्कोर आगे बढ़ता है 19 रन। ये खराब गेंद है, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल, रिटर्न क्रीज से बाहर जाती हुई, और इसके बाद का जो बॉल होगा वो फ्री हिट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, जबकि ये तीसरा ओवर चल रहा है। चुनौती 48 रनों की जीतने के लिए जामनगर स्ट्राइकर्स को। फ्रीड बॉल थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, डार्ट बॉल जाती हुई, कांटे की टक्कर चल रही है दोनों टीमों के बीच में। 31 गेंदें बची है, 28 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लंबा हिट लेना चाहते थे, चूंकि अच्छी गेंदे डाल रहे गेंदबाज जीत, डॉट बॉल जाती हुई। तीन ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 20, अभी भी जीतने के लिए 28 रन चाहिए आने वाली 30 गेंदों में। आपको टीम मीटिंग नहीं करना है, प्लीज जल्द से जल्द फील्ड सजाइए अपनी, समय के बारे में प्लीज हमें सहयोग करें। देखिए फिर एक बार मैं बताता चलूं आपको, 8 ओवर के लिए सिर्फ आपके पास 40 मिनट रहेंगे। मेहुल नए गेंदबाज, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है, आखिरी मोमेंट्स पर सिर्फ ढकेल दिया था वहां पर पॉइंट पर, अच्छी फील्डिंग। सिर्फ एक रन मिलेगा बल्लेबाज सिद्धार्थ को इस एक रन के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। इक्वेशन लगभग लगभग हर एक गेंद पर सिंगल बनाना होगा, ऐसे शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले पे आ ही नहीं,
डॉट बॉल जाती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 21 रन। हुल्टास को भेज दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, अच्छी फील्डिंग, मिलेगा सिर्फ एक रन इस सिंगल के मदद से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। मिस्टर आर्मस्ट्रांग टॉप एज, कोई फील्डर नहीं, सेफ लैंड होती हुई, सिंगल चुराया वहां पर सिद्धार्थ ने, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। सुपर रेडर्स को यदि इस मुकाबले को जीतना है तो सिंगल रोकने होंगे। अच्छी गेंद, छू के बल्लेबाज मीत, डॉट बॉल जाती हुई। मेहुल काफी अनुभवी खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अभी तक 8 गेंदे खेल चुके मीत, सिर्फ 2 रन उन्होंने बनाए। ये देखिए लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन अच्छी तरह बल्ले पे गेंद आई नहीं, एक रन पूरा किया, लेग ब्रेक का इशारा था हुआ। इस एक रन के साथ 4 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 24 रन बने। अभी भी 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, 24 गेंदे बची और 24 रन चाहिए। हर एक गेंद पर सिंगल बनाने होंगे यहां से, और यदि इस मुकाबले को जीतना है तो फिर सुपर रेडर्स को सिंगल रोकने होंगे, विकेट भी चटकानी होगी, प्रेशर में डालना होगा। और जामनगर स्ट्राइकर को यहां से यदि इस मुकाबले को जीतना है तो फिर सिंगल डबल से भी काम चलेगा। नेश मामा नए गेंदबाज, ये बेहतरीन यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर खिलाड़ी है नेश। रन वहां पर चुरा लिया सिली पॉइंट पर, खुद कैप्टन अंकित ने गेंद को उठाया था लेकिन तेजी से एक रन पूरा किया। अब 23 गेंदे बची है, 23 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैच को जीतना होगा तो रन बचाओ। ये सिद्धार्थ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, मेहुल की अच्छी फील्डिंग, मिलेगा सिर्फ एक रन। सिद्धार्थ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। गेंद अच्छी तरह बल्ले पे आई नहीं, मीत का बल्ला आज बोल नहीं रहा है, एक सिंगल वहां पर पूरा किया, शॉर्ट स्कोर ले पर अच्छी फील्डिंग, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। 21 की जरूरत है अभी भी इस मुकाबले को, इस मैच को जीतने के लिए जामनगर स्ट्राइकर्स को। गेंदबाज नेश तैयार, अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद, सिद्धार्थ को वहां पर बीट किया, स्विंग कोई समझ में नहीं आई सिद्धार्थ को, डॉट बॉल जाती हुई। और एक डॉट बॉल, क्या गेंदबाजी कर रहे नेश मामा, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए। मामा के नाम से मशहूर खिलाड़ी है नेश। ये गेल से नाम से जाने जाते गेल,
फ्लिक की है गेंद जा रही है स्क्वायर लेग डीप में, अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक रन मिलेगा वहां पर बल्लेबाज को। सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, पांच ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 28, जीतने के लिए अभी भी 20 रन चाहिए, गेंदे बची 18, 18 बॉल रिमेनिंग एंड 20 रन्स टू नीड। जामनगर स्ट्राइकर्स बैटिंग पावर प्ले, हमारे काफी बेहतरीन अंपायर है भिवंडी के, मशहूर अंपायर जयेश गरत, चंदन नायक, श्याम पाटिल, काफी अच्छी स्कोरिंग करते हुए एक्सपर्ट स्कोरर मैजिकल गोल्डन फिंगर आविष्कार पाटिल। लंबा स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन्स, टावरिंग हिट, स्कोर अब छलांग लेता हुआ 34। सिद्धार्थ क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, वन मैन एंकर रोल अपने टीम के लिए, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 34 रन। चौदह रनों की अभी भी जरूरत है। आगे आके लंबा हिट खेला है, गेंद जा रहे गार्डन में 6 रनों के लिए, स्कोर हाई जंप, छलांग लगाता हुआ स्कोर कार्ड पर 40 रन, जीतने के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए। अच्छा समाचार लिया जा रहा है गेंदबाज मूल का, जीतने के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए। सिद्धार्थ क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, अच्छी गेंद थी नीचे रहती हुई, पूरी तरह चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 40 रन, जबकि ये छठा ओवर चल रहा है। फुलटॉस ये इनकी खासियत है, यदि आप फुलटॉस बॉल डालोगे तो गेंद फिर सीमा रेखा के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए, अब सिर्फ 2 रनों की जरूरत है। थर्टी सेवन पर खेल रहे हैं सिद्धार्थ, लाजवाब बल्लेबाजी, 17 गेंदों में अब तक 37 रन बनाए और छक्के कितने मारे अब तक, 3 छक्के लगा चुके हैं, और एक देखने को मिलेगा क्या दर्शकों को, ये देखिए मित स्कोर वहां पर रन लेने का प्रयास किया था। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 46, जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए, 12 गेंदे बची है, 2 रनों की जरूरत है, 12 गेंदे 2 रन। इस ओवर में मेल ने कुल 18 रन खर्च किए और 3 छक्के भी जड़े, बेहतरीन छक्के वहां पर सिद्धार्थ के बल्ले से देखने को मिले दर्शकों को, काफी मनोरंजन करते हुए दर्शकों का, 2 रन दूर है जीत से टीम जामनगर स्ट्राइकर्स। अब नए गेंदबाज नेश मामा, देखना है विनिंग शॉट किस बल्लेबाज के बैट से आता है। अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, 11 गेंदे बची है और 2 रन चाहिए जीतने के लिए इस मुकाबले को। ये देखिए लंबा हिट और इस मैच को फिनिश किया, जीत लिया इस मैच को जामनगर स्ट्राइकर्स ने, कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक टफ लक सुपर रेडर्स। सिद्धार्थ
स्टार्ट। अच्छी फाइट देखने को मिली, खास मैं तारीफ करूंगा सिद्धार्थ की जिन्होंने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। 37 रन्स पर वो नॉट आउट रहे, जीत के वो हकदार हैं। कांग्रेचुलेशन जामनगर स्ट्राइकर्स, जल्द से जल्द फील्ड सजाने ब्लैक हीरोज। टॉस जीता है ब्लैक हीरोज ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। दोनों टीम के